आइए मार्केट आउटलुक में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्पार्क कैपिटल के डायरेक्टर इक्विटी एडवाइजरी देवांग मेहता साहब। देवांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। क्या उम्मीद है आपको आज रात फेड से, और उसके बाद कैसे देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का माहौल, तेजी होगी या मंदी? थैंक यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक यस, सब यही एंटिसिपेशन में है कि आज रात को क्या होगा और कल मार्केट्स कैसा रिएक्ट करेंगे। तो अभी तक तो देखिए जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इस प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट 25 और 50 के बीच में स्ट्रीट डिवाइडेड है, 25 और 50 के बीच में इकोनॉमिस्ट के व्यू डिवाइडेड है। देखिए 25 बेसिस पॉइंट अगर आएगा तो मेरे हिसाब से कंप्लीटली डिस्काउंटेड है, और कुछ जगह पे 50 बेसिस पॉइंट भी ऐसा बोल रहे हैं कि डिस्काउंटेड है। मेरे हिसाब से 50 विल बी ए गुड इंडिकेशन ऑफ एन एग्रेसिव रेट कट, बट साथ साथ में इसमें लोग ये भी समझेंगे कि इकोनॉमी में इतनी दिक्कतें हैं जो दिख नहीं रही है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज एन इंडिकेशन कि एक इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली नीचे जाने वाले हैं। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचूंगा। मुझे लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं तो इंडिया में भी डेफिनेटली नेक्स्ट 3-4-6 महीने में इंटरेस्ट रेट्स वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और ओवरऑल अगर आप देखें तो जो FII एब्सेंट थे मार्केट में वो भी आना धीरे धीरे शुरू हो गए, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से अगर आप देखें या लास्ट 2 वीक से देखें तो रफली $2 बिलियन का बाइंग हुआ है। डोमेस्टिक फ्लोस तो स्ट्रॉन्ग है, मैक्रोस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है गिव एंड टेक लास्ट 9 महीने से मैं देख रहा हूँ अनिल जी, 3 से 4% या 5% मैक्सिमम करेक्शन पूरे महीने में आता है, 2 या 3 दिन 4 दिन में करेक्शन आता है और फिर बाइंग आ जाता है। मुझे बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ भी अगर छोटा मोटा करेक्शन आता है, सेल ऑन न्यूज हो सकता है। अगर वो सेल ऑन न्यूज वाली घटना होती है तो आई थिंक यहाँ पे भी लोग बाय करने आएंगे, और मुझे लग रहा है काफी साइडलाइंस पे पैसा पड़ा हुआ है जो करेक्शन के लिए वेट कर रहा है, और करेक्शन नहीं आने में उन्होंने ज्यादा पैसा खोया है रादर देन करेक्शन इटसेल्फ। ठीक बात है, तो फिलहाल ज़्यादा कोई ऐसा बड़ी दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है। अब आइए भारतीय बाजारों का हाल बताएं सर। लाइफ हाई पर हम हैं, अच्छे खासे मजबूती के साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या फेड की बैठक से हमें डरना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या फिर बने रहें, डटे रहें, टिके रहें? नहीं जी, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस सेगमेंट को मैं सर्व करता हूँ और यहाँ पे जो मैं अभी एडवाइस दे रहा हूँ वहाँ पे हम अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, और लॉन्ग टर्म में अगेन मैं कोई 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिनका व्यू एटलीस्ट 1.5-2 साल 3 साल का है, उसके लिए ये घटनाएं आती है और जाती है। हमने लास्ट भी देखा बजट के बारे में, या इंडियन इलेक्शंस के बारे में, या अभी वापस आई थिंक अगेन यूएस इलेक्शंस की भी बातें बहुत जोर में होने लगेगी जैसे ये रेट कट हो जाएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है यस, इंडियन मैक्रोस जो आपने बहुत सही बात कहा कि इंडियन सिचुएशन क्या लग रही है, तो मुझे लग रहा है हम एक बहुत ड्रीम मैक्रो सिचुएशन में है, जहाँ पे आप जीएसटी नंबर से लेकर टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, या कुछ भी आप कोई भी पैरामीटर निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ दिख रहा है, आप कैपिटल गुड सेक्टर का जो ग्रोथ दिख रहा है, कैपेक्स हो रहा है, कंजम्पशन भी जिस तरह से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और नॉन डिस्क्रिशनरी में अच्छी चीजें होना शुरू हुई है, एक्सपोर्ट्स में भी इंडिया धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सब इंडिकेटर्स ऐसा दिखा रहा है, और डोमेस्टिक लिक्विडिटी, याद है कि लास्ट 5-7 साल पहले हम हमेशा डरते थे अगर विदेशी संस्थागत निवेशक बेचेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो आई थिंक अभी तो जो फोमो है, जो फियर ऑफ हैविंग मिस्ड आउट है, वो तो उनको ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में कोई भी छोटा मोटा करेक्शन अगर आता है, ये आ सकता है इस लेवल्स पे। आपने बिल्कुल सही कहा, वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन वैल्यूएशंस को ये समझना पड़ेगा हमको कि इंडियन मार्केट या इंडियन सेंटिमेंट या इंडियन इन्वेस्टर्स इसको एक अलग तरीके से ले रहे हैं। दिस इज नाउ मोर अ डिस्पोजेबल इनकम डालने का जरिया है, जहां पे वो लोग पैसा डाल रहे हैं। तो ये फाइनेंशियलाइजेशन का वेव है, आसानी से नहीं रुकेगा। ये 5-7% करेक्शन में आज गलत जा सकता हूँ, आएगा, थोड़े स्टॉक करेक्ट करेंगे, जो जहाँ पे फ्रॉथ है वो निकल जाएगा। मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करने का, रीओरिएंट करने का ये अच्छा समय है। जो मिस्टेक्स पे ऑफ कर चुकी है वहां से निकल के अच्छे स्टॉक्स में आने का एक अच्छा मौका है। के और इस बीच आप जो ताजा तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, लाल बाग चौराहा के विसर्जन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और अब ये फाइनल विसर्जन आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। बस ये कुछ क्षणों में आपको पूरी तरह से विसर्जन होते हुए देखेंगे। ऑलमोस्ट हो चुका है। ये है लाल बाग चौराहा का विसर्जन आपके लिए होता हुआ। बिल्कुल। तो ये है लाल बागचा राजा के विसर्जन के दर्शन। विसर्जन अपने आखिरी चरण में पहुंचता हुआ दिखा। देवांग मेहता साहब हमारे साथ हैं और देवांग से मार्केट की बात भी कर रहे थे। बताएं सर, इस लेवल पर लाइफ हाई पर भी आपको कहीं मौके दिखते हैं निवेश करने के लिए? क्या कुछ पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पे भी बहुत सारे मौके हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मार्केट कैप एग्नोस्टिक अगर आप रहे, और इनफैक्ट आप इवन थोड़ा सा सेक्टर एग्नोस्टिक रहे, लेकिन थीम आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो जैसे हम बहुत समय से ये थीम्स को रिटरेट कर रहे हैं और हमें लग रहा है यहाँ बहुत बड़ा पैसा साल में बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज है। अभी इसमें बहुत बड़ा आपको एक पूरा एक थीम मिल रहा है। अब जैसे उसमें कैपिटल गुड्स की यूजुअल कंपनियां है, अनयूजुअल पावर ऑटोमेशन टाइप की कंपनीज है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल्स देता हूँ, कंपनीज लाइक इंटाची एनर्जी, जैसे मैं हमेशा लेमिनेशन स्टैंपिंग की बात करता हूँ, पीटी इंजीनियरिंग। अगेन मैं रिकमेंडेशन स्टॉक्स के नहीं दे रहा हूँ, जस्ट कुछ थीम्स के आइडियाज दे रहा हूँ कि किस तरह की कंपनीज चलेगी। तो पावर ऑटोमेशन है, इंजीनियरिंग कंपनीज है जो बहुत अच्छा कर रही है। आप देखेंगे तो ये सब कंपनीज की ऑर्डर बुक्स वेल हो रही है। ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है, इन सब कंपनी के भी ऑर्डर बुक्स 2.5-3 साल तक काफी हद तक फुल है। नॉर्मल ऑटोमेशन, एआई या ER&D कंपनीज है, EMS कंपनीज है। ये सब में आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक जो नया वेव आ रहा है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब भले नहीं बने, थोड़ा सा हम काम ले सकते हैं। जो क्लियर दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ये एक सेक्टर हो गया। सेकंड जो सेक्टर हमेशा से इंडिया में लास्ट हमेशा अच्छा चला है लेकिन 2-3 साल में स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया है, वो है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एंड इवन समथिंग इन नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में हम कहते हैं कि एज ए होटल इंडस्ट्री अगर आप देखें, या आप लग्जरी कंजम्पशन देखें, ऑटो को भी देखें, अगर आप लग्जरी ऑटो मार्केट को देखें, ये सब में काफी आपको प्रॉक्सी प्लेज मिलेंगे आपको लग्जरी कंजम्पशन खेलने के लिए। और नॉन डिस्क्रिशनरी में आप फूड एंड बेवरेजेस वगैरह की कंपनीज है जो आई थिंक बहुत अच्छा कर रही है। इवन यूजुअल FMCG कंपनीज जिन्होंने लास्ट 2-3 साल अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उनके भी बॉडी लैंग्वेज और कमेंट्री में काफी सुधार हमें देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है एक दो बकेट, एक आप कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक और कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स, अगर इन दोनों को आपने देखा और थोड़ा सा फाइनेंशियलाइजेशन का वेव ऐड किया, जहां पे आप AMCs है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, या आप डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, आई थिंक ये तीन का कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके लिए बना सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम्स देवांग सर ने बताइए कि यहाँ पर आप निवेश करने का मौका देख सकते हैं जहाँ अच्छा ऑप्शन है। चूँकि ग्लोबल मार्केट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी ग्लोबल थीम है जिसके साथ बने रहना है या जिनसे दूर रहना है हेमंग सर? आई थिंक ग्लोबल थीम से थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा परहेज होता है क्योंकि जैसे आपने सही कहा, इतने सारे इंडिकेटर्स इंडिया में भी संभल नहीं पाते हैं। तो ग्लोबली अगर आपका बहुत डिपेंडेंस है, जैसे आप आज आप देख रहे हैं IT, बिल्कुल मैं अवॉइड करने को नहीं बोलूंगा, लेकिन इट्स अ गुड होल्ड कि IT में आपका 15-18-20% बनने की संभावना है। चांसेस कम है क्योंकि वो एक्सेंचर जैसे कुछ गाइडेंस देता है या कुछ भी वहां पे घटना होती है, उस पर डिपेंडेंट ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल डिपेंडेंस वाला थोड़ा सा कम आप देख सकते हैं। जो डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टोरीज है और जहां पे इंडिया ग्रो करने की बात है, या इंडिया अगर GCC भी बनता है, अगर इंडिया ग्लोबल सोर्सिंग सेंटर भी अगर बनता है कुछ कंपनीज के लिए, तो वो इंटेलिजेंट बिहेवियर होगा और उस कंपनीज में आप देख सकते हैं। बट बाकी मेरे ख्याल से ग्लोबल डिपेंडेंस जहाँ पे है कुछ समय तक, वहां पे अगर दूर रहेंगे तो बेटर है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त देवांग सर की तरफ से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आइए कुछ ताज़ा तस्वीरें